एनआरसी के आड़ में ये क्या चल रहा है? चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सब मौन क्यों है? चौथा स्तंभ खामोश क्यों है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? नमस्कार, मैं चौधरी एस रहमान, स्वागत है आप सबको द बोल्ड एंड लाउड शो में। दोस्तों, असम में चल रहे एनआरसी ऑपरेशन के संदर्भ में ये हमारा 8वां एपिसोड है। आप लोगों में से अगर किसी ने हमारा पिछले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो आप नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आप लोगों को एनआरसी प्रक्रिया का गाइडलाइंस के बारे में बताया कि कैसे लिस्ट ए और लिस्ट बी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है एनआरसी में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए, और कछार जिले के काठीगढ़ा रेवेन्यू सर्कल के कुछ एनएसके एरियाज के उदाहरण दिखाते हुए ये साबित करके दिखाया कि बिना कोई भी डॉक्यूमेंट के कैसे एक खास समुदाय विशेष के लोगों का नाम, जो बेसिकली इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स है, उन लोगों का नाम कैसे संघ और देश के शासक दल के इशारों में एनआरसी में शामिल किया जा रहा है। आज हम आप लोगों को असम के उसी कछार जिले के सिलचर सदर रेवेन्यू सर्कल के कुछ एनएसके एरियाज के उदाहरण दिखाएंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि किस तरह से अवैध बांग्लादेशियों को एनआरसी में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, एनआरसी के संदर्भ में हमारी पड़ताल के दौरान अलग अलग कुछ एनएसके के अफसरों से हमने ये पता करने की कोशिश की थी कि बिना कोई भी डॉक्यूमेंट्स के कैसे लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया गया। उन अफसरों ने अपना परिचय जाहिर ना करने के अनुरोध रखते हुए हमें जो जानकारी दिया, इससे हम चौंक गए। उन अफसरों ने हमें बताया कि फॉर्म सबमिशन के वक्त उन लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों के फॉर्म बिना कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लेने को मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन एप्लीकेंट्स का ये कहना था कि आप लोगों का काम है फॉर्म जमा लेना, आप लोग फॉर्म जमा लीजिए, बाकी रिजल्ट क्या है वो हम जानते हैं। ये सुनने के बाद उन अफसरों ने फॉर्म जमा ले लिया और अपना अपना रिपोर्ट सबमिट करते हुए उन सारी खामियों को मेंशन किया उनके रिपोर्ट। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में और आज जो रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि उन अफसरों की बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी कैसे लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया गया, जो कि एक रहस्यमय बात है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सिलचर सदर रेवेन्यू पर आज का यह एपिसोड। दोस्तों, सिलचर सदर रेवेन्यू सर्कल में कुल 65 एनएसके है, जिनमें से हम आप लोगों को 14 एनएसके एरियाज के कुछ सैंपल दिखाएंगे। आप लोग धीरज के साथ सारी डॉक्यूमेंटरी प्रूफ देखिए और खुद सोचिए ये क्या हो रहा है। तो शुरू करते हैं एनएसके नंबर 45 से।
दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।